गाइस आप देख सकते हो किसान कितनी मेहनत करते हैं। आज मुझे भी मौका मिला है किसान बनने का। हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर ब्लॉग। आज का ब्लॉग बहुत खास होने वाला है। अभी हम जा रहे हैं खेत के ऊपर, क्योंकि मेरे बड़े भाई साहब गए हुए हैं खेतों के अंदर सिंचाई करने। तो अभी मेरे जिगर के छल्लों मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली को बताते हैं हमारे गाँव के अंदर किस तरह से खेती की जाती है। आप पीछे देख सकते हो, पीछे साजिद और आहिल मस्ती कर रहे हैं। और अभी हम आपको लेके चलते हैं हमारे खेतों पे, जहाँ पे सबसे पहले तो हम आपको ये हमारी कोठड़ी बताते थे, छोटा सा मकान बना रखा है जहाँ पे मोटर लगी हुई है इलेक्ट्रिकल की, जो लाइट के थ्रू चलती है मोटर, जिससे पानी हमारे खेतों के अंदर जाता है सिंचाई करने के लिए। तो ये साजिद आपको बताएंगे। चलो अभी बेरा कुआ हमारा कुआ दिखाते हैं। और ये साजिद आप लोगों को हमारा कुआ बताएंगे और मोटर लगी हुई है। आइए गाइस, ये रहा अपना कुआ, बहुत ही खाली हो चुका है, बहुत है, डर लगता है। ठीक है गाइस, देख सकते हो हमारा कुआ बहुत ही कम पानी बचा है। अभी ये सारे खेत हमारे ही है, परिवार वालों के। हमारे टोटल 6 भाई हैं, उसके अंदर ये सारा खेत डिवाइडेड कर रखे हैं। अभी हम आपको बड़े भाई साहब के पास लेके चलते हैं। आप खेतों का नज़ारा देख सकते हो, बहुत ही शानदार खेतों का नज़ारा है, बहुत ही अच्छा हमारा गांव लग रहा है। और ये साजिद पीछे मस्ती करता हुआ। तो गाइस हम पहुंच गए हैं खेत के अंदर, और पीछे आप देख सकते हो हमारे साजिद, मुस्कान और सहरीन और नजमू बहुत मस्ती कर रही है खेतों के अंदर। और अभी हम खेत के डोली के ऊपर चल रहे हैं, और पीछे हमारे गांव का नज़ारा दिख रहा होगा, बहुत ही शानदार है। और आयल पीछे बदमाशी कर रहा है, कहीं गिर ना जाए ये डर रहा है, क्योंकि ये डोली सकड़ी है। तो अभी हम उस डोली के ऊपर चल रहे हैं और खेतों का नज़ारा दिखा रहे हैं आपको। बहुत बड़े बड़े हो गए ये गाँव, अभी पानी पाए जा रहा है। अभी मैं आपको भैया के वहाँ पास में लेके चलता हूँ, जहाँ पे भाई साहब खेतों की सिंचाई कर रहे हैं। तो अभी हम वहाँ चलते हैं। और ये इमरान बोर तोड़ता हुआ, और बॉडी के सारे बोर इमरान अकेला ही खाएगा। और ये चिल्लर पार्टी बोर्ड के लिए तड़प रही है। फाइनली दोस्तों मेरा नया लुक देख सकते हैं, क्योंकि अभी मैं भी किसान बन गया हूँ। वैसे मैं हूँ ही किसान, ही किसान पुत्र हूँ मैं। अभी मैं खेत के अंदर सिंचाई करूँगा, भाई साहब के पास जाऊँगा धीरे धीरे। अभी हम पहुँच चुके हैं भाई साहब के पीछे, देख सकते हो भाई साहब सिंचाई कर रहे हैं। और ये भाई साहब पता नहीं क्या लेके खड़े हैं, अभी हम जाएंगे पास में। तो गाइस आप देख सकते हो किसान कितनी मेहनत करते हैं। आज मुझे भी मौका मिला है किसान बनने का। अभी ये चारा भर गया है, तो अभी मैं ये चारा के लिए दूसरे चारे के अंदर पानी लगाते हुए, अभी ये देख सकते हो आप, इस तरह से करना पड़ता हमको काम खेतों के अंदर। ये बना दिया है, ये डोली बना दी, और अभी इस खेत के अंदर ये पानी पूरा भर जाएगा। उसके बाद अगले वाले चारे का नंबर आएगा। इस तरह से खेती करते हैं। वैसे मैं तो यार यहाँ रहता नहीं हूँ, मैं तो ज़िंदगी में पहली बार खेतों पे आया हूँ। हमारे भाई साहब ही करते हैं, ये बड़े वाले भाई साहब हैं, यही है भैंसों का, किसान का जो भी काम होता है यही करते हैं, खेत वेत की सब कुछ। मैं तो ब्लॉग शूट करने के लिए आज आ गया हूँ, पर बड़ा आनंद आ रहा है मेरे को ब्लॉग शूट करके। हमारे किसान भाई कितनी मेहनत करते हैं, तब जाके हमें खाने को रोटी मिलती है। तो मैं इसीलिए हर वीडियो के अंदर जय जवान जय किसान इसीलिए बोलता हूँ, क्योंकि हमारे फौजी भाई हमारे देश की रक्षा करने के लिए इतनी ठंड गर्मी के अंदर इतनी मेहनत करते हैं। और हमारे किसान भाई भी उसी ठंड के अंदर उसी गर्मी के अंदर हमारे लिए खेती करके हमें दो वक्त की रोटी देते हैं। इसीलिए मेरे वीडियो का टैग जय जवान जय किसान है। पहले के टाइम में सिंचाई करने के लिए बेरा के मुंह से लगाकर खेतों तक दौरे बनाए जाते थे, लेकिन अब डायरेक्ट मोटर के मुंह का जो पाइप होता है उसको डायरेक्ट किसान पाइप से जोड़ देते हैं, और खेतों में डायरेक्ट
नल के द्वारा पानी को छोड़ दिया जाता है और खेतों में जो छोटे छोटे खाचे बने हुए होते हैं उसके थ्रू जो दौरे बने होते हैं खेतों में उसमें डाल देते हैं, फिर ये खेतों के जो खाचे होते हैं उसमें ये पानी चला जाता है। इस तरह से सिंचाई की जाती है। तो गाइस आज मुझे खेत के अंदर सिंचाई करके बहुत ही आनंद आया है। कम से कम मेरे को लगभग आधा घंटा हो गया खेत के अंदर आज मैंने पाणत किया है। पाणत हमारे गांवड़ी भाषा में बोलते हैं, वैसे सिंचाई बोलते हैं। आज मैं पाणत करके मुझे बहुत ही सुकून मिला है क्योंकि मैंने आज तक कभी पाणत नहीं किया है, खेतों के अंदर सिंचाई नहीं की है। आज बहुत अच्छा लगा मेरे को। अगर दोस्तों आपके भी खेत है लेकिन आप शहर के अंदर रहते हो, जैसे मैं शहर के अंदर रह रहा था 4 सालों से, अभी 2 साल से मैं अपने गांव में रह रहा हूं और गांव के आसपास के इलाके को देख के बहुत ही आनंद आता है मेरे को। बहुत ही अच्छी हरियाली होती है। अभी यह खेतों पे भी मैं डेली आता रहता हूं। तो आज भैया हमारे खेत की सिंचाई कर रहे थे तो मेरे को लगा यार आज एक ब्लॉग बनाना चाहिए, तो मैं आज खेत के अंदर आया और भैया के साथ में मैंने पाणत किया, सिंचाई की। बहुत ही मज़ा आया है मेरे को आज पाणत करके। तो भैया अगर आप भी अपने खेतों पे जाते हो, अपने घर पे जाते हो शहर से, तो अपने माँ बाप के साथ या भैया सिस्टर के साथ खेतों के अंदर जाओ, पाणत करो, सिंचाई करो, या और भी कोई दूसरा काम हो कटाई वटाई का तो करो और इसका आनंद लो। बहुत मज़ा आता है अपने लोगों के साथ में कुछ टाइम स्पेंड करना। तो दोस्तों अभी मैं भी खेत से बाहर आता हूँ। अभी आप मेरी हालत देख सकते हो, पैरों को देखो पूरे कीचड़ से हो गए हैं। बहुत ही मज़ा आया मेरे को आज इस कीचड़ में होके। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें और एक प्यारा सा कमेंट करें ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे और आप लोगों के लिए इसी तरह के प्यारे प्यारे वीडियो बनाते रहे। जय जवान जय किसान।